इतने जुल्म हुए, मुझे ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दी है कि मैं उनके सामने संविधान की दीवार बन के खड़ा हूँ, और जो संविधान तोड़ते हैं अधिकारी और राजनीतिक नेता उनको सबक सिखा सकता। ईवीएम से भी ईवीएम को हराया जा सकता है एक, और अगर ईवीएम से चुनाव हो ही रहे तो हम ईवीएम का मुद्दा दबने नहीं देंगे। चुनाव के दौरान तो कम से कम मेरे चुनाव के दौरान तो सबसे पहले ईवीएम ही रहेगा ना, ताकि पूरे देश में जागरूकता रहे। और कानून क्योंकि ये कहता है जिस दिन जन आंदोलन बन गया उसी दिन से पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेपर बैलेट से चुनाव ना कराने के लिए नहीं है, सारी जजमेंट्स ये हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव ही होने चाहिए। तो अगर लोग जन आंदोलन बना गया तो कम से कम सेकंड फेज से तो चुनाव पेपर बैलेट से हो जाएंगे, तब भी 405 सीटें बचती हैं। तो ये लड़ाई मैंने हारना नहीं सीखा, मैंने मरना सीखा है, हारना नहीं सीखा। तो ये लास्ट टिच बैटल है मेरी जो मैं लड़ना चाहता हूँ, ताकि 19 तक भी ईवीएम की लड़ाई जिंदा रहे, और 19 के बाद मैं फिर कमर कस के ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में घूमूंगा। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है, और ईवीएम के तरफ से जो उन्होंने शेर सुनाया था, देश की जनता को तंज किया था, क्या देश की जनता अपने आप से वफा नहीं करती? ऐसा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी लड़ रही है, देश की जनता लड़ रही है ना ईवीएम के खिलाफ। तो ईवीएम चुनाव आयोग के ऐसे विचार देश की जनता के बारे में, इससे मुझे बड़ा दुख है। ये शेर आप पढ़े, ये वो ऐसे पढ़े कि जैसे वो देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो देश की जनता को वार्न कर। रामपुर में मुझसे बेहतर कैंडिडेट अगर कोई है जो पुलिस प्रशासन के सामने एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहेगा, लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती रोकेगा, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के ऊपर, जो माइनॉरिटी और सिख कम्युनिटी के ऊपर वहाँ, और दूसरे कमजोर तबकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर होते हैं, तो वो कैंडिडेट दें, मैं अपना कैंडिडेट अभी विड्रॉ कर लूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं ईवीएम की बात को दबने नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने अपने सभी साथियों की बात मानी है। और दूसरा, अगर वो ये वादा करें सारे इंडिया गठबंधन के लोग के मेरे साथ सड़क पे आएंगे पूरे सारे गठबंधन की पार्टीज, तो मैं अब भी चुनाव से विड्रॉ कर लूंगा। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुझसे ये वादा करें कि मैं लीड करूंगा, मैं गोली खाऊंगा पहले, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्डर्स के समेत ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, ईवीएम को हम सिर्फ रोक लें तो सबके सब अटैक रुक जाए। ईवीएम की वजह से ही तो इन्हें इतना हौसला आ रहा है कि पब्लिक के तो वोट नहीं चाहिए, पब्लिक एकदम नाराज हो चुकी है। दिल्ली की जनता अब एक वोट बीजेपी को नहीं देगी अरविंद केजरीवाल जी को डेल जाने से, लेकिन जनता के तो वोट चाहिए नहीं, 20% वोट का तो घपला करने वाले हैं। बीजेपी को छोड़ के बाकी सारे इंडिया गठबंधन और दूसरे लोग वादा करें कि कल से हम पब्लिक प्रोटेस्ट पूरे देश में करेंगे, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर अखिलेश यादव जी वो लोहे की दीवार बनने को तैयार है वहां पे, कि किसी रामपुर के शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को इसलिए नहीं मार दिया जाएगा गोली से, और उसकी लाश इसलिए नहीं जला दी जाएगी कि क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बाबा साहब की फोटो लगा रहा था, ये आयरन की दीवार बनने के लिए तैयार है, तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। अगर वो ये आयरन की लोहे की दीवार बनने को तैयार है कि इस बार यूपी में और खासतौर पर रामपुर में वो नहीं होगा जिससे पिछले चुनाव में जो हराया गया चुनाव, बीएसएफ का और सीआरपीएफ का, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया गया, अभी तो किसी कैंडिडेट कोई पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर अखिलेश यादव जी आजम यहाँ से लड़ना चाहते हैं रामपुर से, तो वो ये अगर सोचते हैं कि मुझसे बेहतर तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे, हत्या हो रही है और इसी वजह से हमें ईवीएम को रोकना है, इसी वजह से तो मैं इस मुश्किल लड़ाई में उतर रहा हूँ सब लोगों के कहने पर। 26 तारीख को मैं जाऊँगा, और उससे पहले अगर अखिलेश जी चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप बता रही हैं ये तो मेरे लिए न्यूज़ ही है, अगर ये मुझे पता होता तो शायद मैं ऐलान भी नहीं करता, हालांकि मेरे ऊपर पूरे देश से दबाव है रामपुर से चुनाव लड़ने का, और उसकी वजह अभी आपको बताई कि मुश्किल सीट है और वहाँ अत्याचार शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के ऊपर अंत से ज्यादा हो रहा है। अगर आप देखेंगे पिछली बार भी 37% वोट पड़े थे, 15-17% के आसपास वोट माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का होता, बाकी 20% वोट झूठे थे, यही तो इल्ज़ाम है हमारा 2019 का, यही वही मशीनें अभी भी 20% की गड़बड़ करने वाली हैं। तो अगर विपक्ष की सारी पार्टीज मुझे अपना जॉइंट कैंडिडेट बनाती हैं तो मैं आराम से चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ईवीएम की लड़ाई, ये चुनाव ही ईवीएम के मुद्दे पे लड़ूंगा, चुनाव के दौरान भी ईवीएम का मुद्दा दब ना जाए, कहीं पीछे ना चला जाए। ये भी एक हमारे सारे साथियों की वजह थी कि मैं ये चुनाव लड़ूं, मुश्किल जगह से लड़ूं, और दिखाऊं लोगों को कि मुश्किल जगह से भी ईवीएम को भी हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जमीन आसमान एक करना पड़ेगा जो हम करेंगे। वो हर आदमी की आवाज़ दबाना चाहती है और किसी का वोट नहीं चाहिए। देखिए जो कांग्रेस का अकाउंट सीज किया, कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई उनकी, लोग उनसे कितनी ज़्यादा नाराज़ हो गए, अभी केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट कर लिया, लोग नाराज़ हो गए, झारखंड के नहीं पूरे देश के अरविंद केजरीवाल जी के करने से नाराज़ हो गए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, 20% वोट तो उन्हें एक्स्ट्रा आने, तो लेकिन इन लोगों की आवाज़ भी दबानी है कि कैंपेन भी ना कर सके ताकि वो 20% वोट इन्हें जिता पाए।
इसी लड़ाई को जिंदा रखने के लिए मैं ये लड़ाई में अपने साथियों के कहने पे उतरा। वो भी देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जज साहब ने एक ऐसी जजमेंट पास की जिसमें ये कहा कि मैंने एक मंदिर के लिए फेवरेबल फैसला किया था, तो ये जजमेंट में लिख रहे हैं अपनी जो तौकीर रजा साहब को समन करते टाइम थी, फिर वो हाई कोर्ट ने एक्सपंज किया। लेकिन यही है ना जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, वही तौकीर रजा साहब के साथ हो रहा है। डराया जा रहा है, पुराने पुराने केस निकाल कर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से लोग चुप होकर घर बैठ जाए, ये हम नहीं होने देंगे। सर, जैसे केजरीवाल सर ने अपना केस वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके पीछे की आप वजह क्या हो सकती है? देखिए ये आपको उनके वकीलों से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं डाला जाना चाहिए था और इसके लिए जन आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि अदालतें भी जैसा जजेस बार बार बता चुके हैं, हिंट दे चुके हैं कि वो भी दबाव में है। जन आंदोलन बड़ा होगा तो अदालतों को भी हौसला मिलेगा कि जनता हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनाने का काम होता है वो चीफ जस्टिस साहब का होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ दबाव का या ना दबाव का कोई कारण नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी जगह जज रह चुका है, लॉ सेक्रेटरी रह चुका है। दबाव किसी के ऊपर भी हो सकता है, दबाव किसी के ऊपर भी नहीं भी हो सकता है। तो सर, लालच में कोई भी आ सकता है, लालच में ऐसा भी होता है कोई ना आए, ये तो सब्जेक्टिव बात है। तो कुछ लोग दबाव और लालच में आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, लेकिन ये नाम लेके बोलना ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुनासिब। सीधा सीधा संदेश है, लीडर वही है, लीडर नहीं। डेमोक्रेसी में तो नौकर होते हैं आपके, एमपी एमएलए ये सब नौकर होते हैं जनता के, तो नौकर वही अच्छा है जो सबसे पहली चीज पुलिस से ना डरे, जेल जाने से ना डरे, लाठी गोली से ना डरे, ईमानदार हो दूसरी क्वालिटी, और वो ऐसा ना हो कि एमपी एमएलए बनने के लिए मरा जा रहा हो। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव का पैसा लेना चाह रहा हो वो तो बिल्कुल ही नहीं। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है लड़ाई लड़ने का। मेरा तरीका यह है कि मैं हेड ऑन, मैं पुलिस से भी हेड ऑन करता हूँ, मैं अमित शाह जी और मोदी जी से भी हेड ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं भगत सिंह जी को दिल से मानता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल से मानता हूँ, अशफाक उल्ला खान को दिल से मानता हूँ, टीपू सुल्तान को दिल से मानता हूँ। मैं ईमान पे भरोसा रखता हूँ अपने, मैं अल्लाह पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखता हूँ। जिंदगी और मौत, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में होती है, तो मेरा एक अलग तरीका है, लेकिन और लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज में मैं भी जा सकता था इस तरह से, लेकिन वो मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है। हमें जनता ने एक जो इज्जत बख्शी थी वो ईवीएम के लिए बख्शी थी, तो मैं ईवीएम की लड़ाई को सबसे ऊपर रखूंगा, उसके बाद अपनी जाति बात को रखूंगा। इसलिए मैं अब भी ये कह रहा हूँ, अगर रामपुर में भी बेटर कैंडिडेट मुझसे मिलता है मैं विड्रॉ कर लूंगा, और अगर सारी अपोजिशन पार्टीज मुझसे ये वादा करें कि वो सड़क पे अपने सारे कार्डर्स के साथ मेरे साथ उतरेंगी, तो मैं फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा।